अपने अंगूठे को यहां पर रखना है और इस हाथ को ऐसे रखना है और 1 2 3 और जो नापी ठीक हो गई। दोस्तों अगर आप भी अपना पेट मिलवा मिलवा के थक गए हो लेकिन आपकी जो धर्न है नाभि है वो बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रही, आप मिलवा कर आते हो और दूसरे ही तीसरे नाभि आपकी हिल जाती है, तो आज की इस वीडियो में आपको दो तरीके बताऊंगा। आप उन दोनों में से कोई भी एक कर लो और बिना पेट मिलवाए, और हाँ ये वाले जो तरीका मैं आपको बताऊंगा रोजाना करना है सुबह और शाम, ठीक है। उनमें से जो एक है वो तो रोजाना ही करना है, दूसरा तरीका मैं आपको थोड़ा बताऊंगा, थोड़ा मुश्किल तो है लेकिन इतना असरदार है कि उसकी जगह को ले नहीं सकता। इसे रोजाना करना है और नाभि आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। बहुत सारे भाई बहन यही कहते हैं कि हमने अपना पेट बहुत मिलवा लिया, 10 से 15 साल हो गए हैं उनको अपना पेट मिलवाते हुए लेकिन उनकी नाभि ठीक नहीं हो रही। भाई देखो सिर्फ मिलवाने का ही एक तरीका नहीं है नाभि को ठीक करने का, और भी बहुत सारे तरीके हैं। आज उनमें से मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, आप दोनों ट्राई कर सकते हो, ठीक है, ट्राई करो। उसके साथ दोस्तों मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि खाने पीने का खास ध्यान रखो और नाभि से रिलेटेड कुछ सावधानियां होती हैं, जैसे खाली पेट कोई काम नहीं करना तो वो मत करो, ठीक है। अगर आप करते रहोगे, जैसे बहुत सारे जो भाई हैं वो जिम जाते हैं नाभि हिलने के बाद भी जिम ज्वाइन करके बैठे हैं, तो भाई उनका पेट बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, परेशान है कि डॉक्टरों के पास चक्कर लगा लगा के वो थक गए हैं। तो मैं आपको अभी बताता हूं कि ये जो दो तरीके हैं वो कौन कौन से हैं और अपनी हिली हुई नाभि को कैसे ठीक करना है। दोस्तों एक तो जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं ना, आप इसे थोड़ा ध्यान से देखना। जैसे हम अपने हाथों को ऐसे करते हैं और कटक की आवाज़ आती है ना, तो ये वाला तरीका कुछ ऐसा है। अगर आपको तजुर्बा नहीं है तो ये मत करो, ठीक है, किसी तजुर्बेकार जो बंदा है उससे करवा लो, ठीक है। लेकिन जिसको तजर्बा नहीं है वो ना करे, जिसको है वो कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। जैसे हम अपनी उंगलियों के पटाखे जो बजाते हैं ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे करके, कोई ऐसे करता है तो देखो भाई, अगर आपकी नाभि जो दाएं बाएं ऊपर नीचे है बहुत ही साल हो गए हैं तो उन्हें कैसे ठीक करना है, एक कटक की उबाज से। देखो आपने अपना हाथ ऐसे रखना है, ये वाला दूसरा अंगूठा जहाँ पर रखना है ये वाली उंगलियों से जहाँ पर ऐसे हाथ को पकड़ लेना है, ठीक है। अब आपने तीन गिनने हैं, तीन गिन के ऐसे नीचे करना है, वो एक झटका होता है, वो जिन्हें नॉलेज नहीं है वो ना करें, लेकिन नाभि इससे ठीक हो जाएगी। जैसी भी पुरानी से पुरानी नाभि हो आपकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, देखना कटक की आवाज़ आएगी, बहुत ही प्यारी कटक की आवाज़ होती है, ये हमारे शरीर में बहुत हिस्सों में आती है, ठीक है। देखो ऐसे हाथ रखा और ऐसे उंगलियां रखी, 1 2 3, देखो जब कटक की आवाज़ आई ना, जब आप सो के उठोगे ना रोज़ की रोज़, अब बार बार इसे करोगे तब नहीं आएगी, जब आप कल सुबह फिर उठोगे और फिर ऐसे करोगे तब फिर आएगी। ऐसे एक या दो बार करने से ही नाभि हमारी बिल्कुल ठीक हो जाती है। इसी तरह दूसरे हाथ में करना है, ऐसे जहाँ पर अंगूठा रख लिया, जहाँ पर हमारे जे वाला हाथ रख लिया, कस के पकड़ना है, इस हाथ को ढीला रखना है, इसे थोड़ा कस कर पकड़ना है, ठीक है। 1 2 3, देखो जब फिर से आवाज़ आई ना, तो ऐसा अगर आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं करना आता तो भाई मत करना, जे वाला हिस्सा तुड़वा के मत बैठ जाना, ठीक है। तो ऐसे पैरों में भी हिस्से होते हैं हमारे, अंगूठे उंगलों में भी होते हैं, जो कटक की उबाज से हम अपनी नाभि को बिल्कुल ठीक कर सकते हैं, इससे और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं। तो मैं अब आपको दूसरा जो तरीका है वो बताता हूँ, जो नाभि ठीक करने का दूसरा तरीका है। आपको क्या करना है अभी बताता हूँ। आपको कोई भी तेल लेना है, सरसों का हो या आंवले का तेल हो या कोई भी तेल हो, बादाम रोगन जो ऑयल है वो हो, आपको मालिश करनी है जहाँ पर आपने ऑयल लगा लेना है पहले, ठीक है, अच्छी तरह से इस वाले हिस्से में रोज़ ऑयल लगाया करो। इससे आपकी जो डिप्रेशन वाली जो प्रॉब्लम है, आपको नींद नहीं आती, तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी, ठीक है। आपको जहाँ पर ऑयल लगाकर, सरसों का तेल लगाकर ऐसे मालिश करनी है, ऐसे, ठीक है, ऐसे आपने मालिश करनी है। पहले आपने 2-4 मिनट ऐसे करना है, बाद में इसे उल्टा करना है, ऐसे जहां पर बहुत सारी नाड़ियां होती हैं जो हमारे पेट में जाती हैं और जहां पर
एक प्रेशर जाने की वजह से हमारी जो नाभि दाएं बाएं ऊपर नीचे होती है वो उसी टाइम आ जाती है अपने ठिकाने पर, ठीक है। जहाँ पर एक मालिश कर ली आपने, 5 मिनट जहाँ पर मालिश करो, ठीक है। और ये जो मैं अगर आपको बता रहा हूँ इस पाँव का, सेम टाइम आपने दूसरे पाँव पर करना है, ठीक है। भूलना नहीं है दूसरे पाँव पर करने, नहीं तो नाभि एक साइड को चली जाएगी, बाद में मत बोलना कि नुकसान हो गया, ठीक है। अब एक नाभि का जेब वाला पॉइंट होता है पाँव के बिल्कुल नीचे, ठीक है। इससे भी दबाना है, जहाँ से भी दबाना है, ठीक है। कैसे दबाना है ये देखो, जितना प्रेशर दे सकते हो आपको देना है। आपको ये प्रेशर देते 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 इस तरफ आना है ऐसे, ठीक है। एक बार फिर से प्रेशर देते देते जहाँ पर आना है, ऐसे नहीं आना, ऐसे नहीं आना, ऐसे करते करते आना है, ठीक है। एक जे वाला हो गया, दूसरा हो गया और तीसरा, एक ही साथ सारे करने हैं, अलग अलग नहीं करने। जहां पर आपको ऐसे दबाना है, ठीक है। जे हमारा बिल्कुल ही नाभि वाला हिस्सा है, जे वाला सेंटर पॉइंट, ठीक है। ऐसे दबाओ रोज, दूसरे पांव पर भी, इस पांव पर भी, ठीक है। दोनों पांव पर ऐसे करना है, ठीक है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये, एक्वा प्रेशर है। आप रोज करो, आपकी जितनी भी पुरानी नाभि है वो इससे ठीक होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। उसी टाइम आ जाएगी, बहुत टाइम नहीं लगेगा, उसी टाइम आ जाएगी, ठीक है। और खाने पीने का ध्यान रखो, गर्म चीज़ें मत खाओ, ठंडी चीज़ें खानी शुरू कर दो, गर्मियाँ आ गई हैं भाई। ठंडी चीज़ें जितनी खा सकते हो तो उतनी खाओ, आपकी नाभि बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। दोस्तों आपने देखा कि आज मैंने आपको दो तरीके बताए हैं नाभि ठीक करने के लिए। देखो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा तरीके हैं, आप जितने गिनोगे कम है। हमें खुद को यही देखना पड़ता है कि कौन सा तरीका हमें सेट बैठता है, ठीक है। जो तरीका हमें सेट बैठता है हमें वही करना चाहिए, और किसी की रीस नहीं करनी चाहिए कि अगर किसी और को ऐसे फ़र्क पड़ा है तो हमें भी वही पड़ेगा। आप अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देखो, आपको जो तरीका अच्छा लगता है वही इस्तेमाल करो, और वही आपको एक दो दिन में आपको नाभि की प्रॉब्लम में रिलीफ देगा, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। बहुत सारे भाई बहन ऐसे हैं जो हमारे चैनल की जो वीडियो है देख लेते हैं, ना ही लाइक करते हैं ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो भाई सब्सक्राइब जरूर करके जाना है।